हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर रियलमी मोबाइल में ऐप की स्टॉपिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है या फिर ऐप क्रैश हो जाता है तो कैसे 100% सही करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर एक सेटिंग खोजनी है जिसका नाम है ऐप मैनेजमेंट या ऐप मैनेजर, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। तो दोस्तों आपको इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फिर आपको सबसे ऊपर ऐप लिस्ट या मैनेज ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लोडिंग होकर सभी ऐप्स आ जाएंगे। अब आपको ऊपर की साइड 2 या 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर शो सिस्टम या शो ऑल ऐप पर क्लिक करना है, सभी ऐप्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है, देखिए सिस्टम। तो जैसे आप सिस्टम लिखेंगे तो एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इसका लोगो देख लीजिए। फिर आपको स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको क्लियर डेटा और ओके कर देना है। फिर गाइस आपको बैक आना है, फिर फोर्स स्टॉप पर क्लिक करना है, देखिए लिखा हुआ है। फिर फोर्स स्टॉप पर क्लिक कर देना है, फिर बैक आ जाना है। फिर आपको सर्च बार में फिर से क्लिक करना है और अब की बार लिखना है लॉन्चर, LAU लिखेंगे तो आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर स्टोरेज यूजेज और फिर यहाँ पर क्लियर डेटा और ओके कर देना है गाइस। फिर आपको बैक आना है, फिर आपको सर्च बार में क्लिक करना है और लिखना है पैकेज, PSC के लिखेंगे तो पैकेज इंस्टॉलर आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर स्टोरेज यूजेज पे और इसे भी क्लियर डेटा कर देना है। इतना करने के बाद गाइस आपको सिंपली देखिए मोबाइल के होम स्क्रीन पर आना है, और सेटिंग में जाने के बाद अगर ऐप मैनेजमेंट नहीं मिल रहा है आपको, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ऊपर सर्च बार में क्लिक करना है और लिखना है ऐप। तो यहाँ पर आपको ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके चेक करना और यहाँ पर ऐप लिस्ट या मैनेज ऐप मिल जाएगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, देखिए वहीं पर आ जाएंगे। फिर गाइस इतना सब कुछ करने के बाद अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट या रिबूट कर लेना है या स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। फिर गाइस आप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है 100% सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।